हाय दोस्तों, आज हम बनाएंगे कोलकाता की फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी एग रोल। एग रोल खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत इजी होता है। तो चलिए कोलकाता स्टाइल में एग रोल बनाना सीख लेते हैं। एग रोल बनाने के लिए हमने एक कप मैदा लिया है और अब इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी और 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। मैदा को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल, नमक, चीनी मैदा में मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। और ये हमारा परफेक्ट डो बन गया है। इसे बहुत ज़्यादा टाइट या सॉफ्ट नहीं करना है। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसे एक कपड़े से ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। दोस्तों, एग रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर खीरा, प्याज और हरी मिर्च को फाइनली चॉप कर लिया और साथ में लिया है भुना हुआ मूंगफली, काला नमक और नींबू। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। 15 मिनट हो गए हैं और अब डो भी सेट हो चुका है। इसकी अब हम बड़े साइज की 2 लोइयां काट लेंगे। लोई आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अब मैदा लगाकर इसे बड़े शेप में बेल लेंगे। रोटी को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे थोड़ा मोटा ही बेलना है। सेम इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी बेल लेंगे। तवा को हमने गरम कर लिया है, अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा तेल। तेल अच्छे से गरम हो चुकी है तो अब इसमें रोटी को डाल देंगे। इसे अब हमें 1 मिनट के लिए सेक लेना है। रोटी को अब हम पलट देंगे। और इसके ऊपर लगा देंगे बढ़िया से तेल। पराठा के दोनों साइड में तेल लगाकर अब इसे अच्छे से सेकेंगे। पराठा के किनारों को प्रेस करके अच्छे से इसे सेक लेना है ताकि हमारा ये पराठा काफी खस्ता बने। और ये पराठा हमारा बन चुका है और इसे अब प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से दूसरा पराठा को भी बना लेंगे। दोस्तों, दोनों पराठे बन चुके हैं तो अब हम इसमें एक अंडा फोड़कर डाल देंगे और इसे अब पूरे पराठे में फैला देंगे। अब एक चम्मच की मदद से पराठे को पकड़कर एक्स्ट्रा अंडे को तवा पर गिरा देंगे और पराठों को इसी के ही ऊपर रख देंगे। 1 मिनट तक अब हमें इसे ऐसे ही रखना है जब तक यह अंडा सही से पक नहीं जाता। अंडा सही से पक जाने पर अब पराठे को पलट देंगे। थोड़ा देर इसे सेक कर प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पराठों को भी बना लेंगे। एग रोल के लिए पराठे हमारे बन चुके हैं तो चलिए अब इसे हम लोग फोल्ड कर लेते हैं। इसमें अब हम फैला के रख देंगे थोड़ा सा कटा हुआ खीरा, कटे हुए प्याज, छोटे छोटे कट किए हुए हरी मिर्च, भुने हुए मूंगफली, स्वाद के लिए काला नमक, नींबू का रस और टोमेटो सॉस। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसमें चिली सॉस भी डाल सकते हैं। दोस्तों, अब इसे हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करना भी इसे बहुत इजी होता है, बस दोनों किनारों को पकड़कर ऐसे फोल्ड कर लेना है। हम एक पेपर भी ले रहे हैं और पेपर से भी इसे फोल्ड कर देंगे ताकि इसके मसाले बाहर ना निकले।
दोस्तों बन गए हमारे कोलकाता स्टाइल में एग रोल। आप भी इसी तरह से घर में एग रोल बनाकर जरूर खाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। जो हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। हम इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।